सर बायो कैटलिस्ट बदल कुछ बता। अच्छा बायो कैटलिस्ट कुछ बताया था ना, ठीक है बताना है। हाँ ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो हम लोग पिछला जो क्लास था सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिए थे ना। यस पिछला सर। क्लास, पिछला क्लास सलाइवरी ग्लैंड हो गया था हमको जहां तक लग रहा है, क्योंकि डाइजेशन जो है इससे हो ओइसोफेगस तक गया बता था। दिया था, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बता दिया था ना। ठीक है, तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद, मतलब ओइसोफेगस के बाद जो है वो स्टोमक, स्टोमक का पार्ट है पढ़ना। ठीक है, अच्छा बोर्ड सही से दिख रहा है ना? आवाज तो सही आ रहा है, आवाज ठीक है, बोर्ड सही से दिख यस रहा है, क्लियर सर। हाँ सर। दिख रहा है? चलो देखो, अब स्टार्ट करते हैं स्टोमक। देखो स्टोमक ओइसोफेगस जो था उसमें हम क्या पढ़े थे कि फूड जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू कहाँ चला आता है, स्टोमक में आ जाता है। ठीक है, उसके पहले माउथ में तीन चीज पढ़े थे, एक टीथ, टंग और स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है केमिकल उसको क्या हम बोलेंगे, सलाइवा। और सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवा क्या सलिवरी कंटेन करेगा, एमिलेस। सलाइवरी, सलिवरी हाँ एमिलेस। स्लेवरी, उसका क्या काम है बताओ, उसका फंक्शन बताओ, स्लेवरी एमिलेज का फंक्शन बताओ। डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हाँ डाइजेशन, डाइजेस्ट करता है, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मतलब वही है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। ठीक है, माल्टोस। उसका पीएच कितना होना चाहिए, पीएच हम लिखा है, सिक्स देखो पॉइंट पीएच एट कितना होना चाहिए, 6.8 6.8 होना चाहिए। ठीक 6.8 है, हाँ ठीक है, स्टोमक स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में स्टोमक जो है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो है वो थर्ड पार्ट में आ जाएगा। और ये जो है ना स्टोमक में जो है ये कंटेन करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, कंबाइंडली हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स रहता है जो कि सिक्रीट करता है केमिकल, और उसका जो है अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो जो रिलीज करेगा, सबसे पहला HCl, दूसरा है प्रो एंजाइम को रिलीज करता है, प्रो एंजाइम को, और तीसरा है म्यूकस। अभी हम एक चीज तुम लोग को बताए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, ठीक है, उसमें तीन टाइप का ये केमिकल रिलीज हो रहा है, लेकिन इस तीनों टाइप का जो केमिकल को रिलीज करने वाला पार्ट है वो हर एक कोई ना कोई सेल है। तो सबसे पहले है पेराइटल सेल, ठीक है, दूसरा है ऑक्सेंट्रिक सेल, और तीसरा होता है म्यूकोसा सेल। ठीक है, देखो म्यूकोसा सेल रिलीज करेगा म्यूकस, ऑक्सेंट्रिक सेल रिलीज करता है प्रो एंजाइम, और पेराइटल सेल जो है वो रिलीज करेगा HCl। ठीक सर, है, तो म्यूकस ध्यान का क्या रखना ये बोला? म्यूकोसा सेल, MUCOS, म्यूकोसा सेल। ठीक है, इसका अलग एक और नाम है, जैसे हम पेराइटल सेल लिखे तो HCl, पेराइटल सेल का एक और नाम है, ऑक्सेंट्रिक सेल उसका एक और नाम है। बट अभी तुमको इतना याद रखो कि पेराइटल सेल जो होता है मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है उसमें तीन सेल प्रेजेंट है या तीन पार्ट से कंसिस्ट करता है। तो पहला जो पार्ट है वो पेराइटल सेल है जो कि HCl को रिलीज करेगा, ऑक्सेंट्रिक सेल जो प्रोएंजाइम को रिलीज करेगा, और म्यूकोसा जो होता है म्यूकस को रिलीज करता है। ठीक है, अब इसका हम लोग सबसे पहले फंक्शन समझेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या होता है समझना। सबसे फर्स्ट में HCl, ठीक है, तो HCl है तो ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो सबसे पहले एसिड का काम होता है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर देगा, हरे हेल्प करेगा प्रोटीन के डाइजेशन में, ये हेल्प करता है, इतना ध्यान रखना, हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। क्योंकि अगर प्रोटीन को पचाना है, ठीक है, तो स्टोमक में एसिडिक मीडियम वहां पे होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम आई मीन एसिड होने से जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहने का मतलब क्या होता है कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम अपना फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा अगर एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो सर मेन एक बार दो रिपीट काम है, करिए। पहला, हाँ एक बार रिपीट कर देते हैं कि HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है,
इसका काम सबसे पहला क्या है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है प्रोसेस। दूसरा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को फंक्शनिंग करता है, कहने का मतलब कि स्टोमक में फूड में प्रेजेंट होगा तो जब स्टोमक में आएगा तो इस प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम के एक्टिविटी के लिए एसिडिक मीडियम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मान लो कि एंजाइम एक्टिवेट नहीं हुआ तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और ये एक्टिवेट नहीं हुआ तो क्या प्रोटीन डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तीसरा जो फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, इसका काम होता है HCl वर्क करता है प्रो एंजाइम पे। प्रो एंजाइम एक्चुअली एक ऐसा एंजाइम है जो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, जहां प्रो दिख गया तुमको एंजाइम के केस में तो समझ जाना वो इनएक्टिव है, ठीक है। अब प्रो एंजाइम को अगर एक्टिव स्टेज में लाना है तो इसके लिए HCl फंक्शनिंग करता है, ये तीसरा फंक्शन है। चौथा फंक्शन समझ लो कि ये HCl है तो फूड के साथ जो भी माइक्रोब्स आएगा स्टोमक में वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइजेशन का करने का काम कौन करता है, तो वो करता है HCl। आई मीन एसिडिक मीडियम ज्यादा होगा तो जो भी माइक्रोब्स होता है जो फूड के थ्रू माउथ में नहीं मर पाया, नहीं किल हो पाया, तो जब स्टोमक में चला जाएगा तो HCl रिलीज करके इसको वो क्या करता है वहां पे डिस्ट्रॉय करेगा या उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो न्यूट्रलाइज माइक्रोब्स, ठीक है। तुम्हारे सामने चार फंक्शन हो गया। तीसरा और क्या फंक्शन होता है कि HCl जो है वो फूड को और क्रशिंग करने में काम करता है, क्योंकि स्टोमेक जो होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब वो मसल से बना है, मसल से बनने होने के कारण क्योंकि वो मसल मस्कुलर है तो मसल्स का एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी क्या है, तो वो प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का। तो स्टोमक जब फूड जाता है तो और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है जिसके कारण फूड और ज्यादा मिक्सअप होता है, और ज्यादा वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूटता है, या फिर बोल सकते हैं और वो लिक्विफाई होता है, ठीक है। वो काम है HCl का, समझ गया HCl का फंक्शन। तो अब यहाँ जो एक चीज तुम लोग को यहाँ दिख रहा है कि HCl का जो काम होता है प्रो एंजाइम को, क्योंकि हमारा जो प्रो एंजाइम है यहीं पे रिलीज हो रहा है, देखो प्रो एंजाइम यहीं पे रिलीज हो रहा है, अब इसी को एक्टिव करना है तो HCl का काम आएगा, समझ आ रहा है। तो ये चीज है, समझ गया HCl का फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ऐसे HCl का फंक्शन हम लिख देंगे, समझ गया ना। देखो अब जो है जैसे हम बता रहे थे प्रो एंजाइम, ठीक है, तो ध्यान रखना जो तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो प्रो एंजाइम में दो एंजाइम है, ठीक है, प्रो एंजाइम में दो एंजाइम है, एक होता है प्रोपेप्सिन, इसको भी बोलेंगे हम प्रो एंजाइम जो इनएक्टिव है, और इसी का दूसरा नाम होता है पेप्सिनोजन, ये है इनएक्टिव स्टेज, और दूसरा हो जाता है प्रोरेनिन। इसका इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं तो इसको तुमको नोट करना है। तो सबसे पहला प्रोएंजाइम में हम लेते हैं प्रोपेप्सिन को, ठीक है, प्रोपेप्सिन, पेप्सिन को लिए, तो प्रोपेप्सिन को जब एक्टिव करना है तो पेप्सिन इसका एक्टिव एक्टिव पार्ट है, आई मीन पेप्सिन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्टिव हो गया। अब हम बताए थे कि प्रोपेप्सिन इनएक्टिव है और पेप्सिन एक्टिव है, तो बताओ ये जो कन्वर्शन है कौन करवाएगा, जो कन्वर्शन है कौन करवाएगा यहाँ पे, HCl कराएगा। अब पेप्सिन एक्टिव हो गया, दूसरा हम बताए थे क्या, तो दूसरा है तुम्हारा प्रोरेनिन, इसको भी एक्टिव कराना है, तो ये हो गया रेनिन में एक्टिव हो गया, तो यहाँ पे भी HCl आ गया, ठीक है, अब ये एक्टिव हो गया। अब इसका क्या फंक्शन है, यहाँ पे हम फंक्शन लिख देते हैं, इसको ध्यान से समझना इक्वेशन एक्चुअली में। तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन, कहने का मतलब फूड प्रोटीन, ध्यान रखना यहाँ पे हम फूड प्रोटीन लिख रहे हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे फिर इसका भी प्रोटीन का काम है तो इसका अलग प्रोटीन है, तो फूड प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पेप्सिन आ जाएगा। और ये किस में कन्वर्ट होगा,
तो प्रोटियोजेस में किसमें होगा, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, ये दो पार्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखना ठीक है। तो सबसे पहला बात जो प्रोएंजाइम का यहाँ फंक्शन समझे, जब एक्टिव हो गया तो एक्टिव में ये क्या किया, तो फूड प्रोटीन को ये क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है फूड के साथ जो हम लिए खाए जो वो। अब दूसरा जो है जो रेनिन का फंक्शन है वो है मिल्क प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको वो डाइजेस्ट करता है। तो मिल्क प्रोटीन जो है वो रेनी मिल्क प्रोटीन, अब मिल्क में कौन सा प्रोटीन है, तो केजीन, इसको ध्यान रखना है। केजीन प्रोटीन जो होता है वो मिल्क का प्रोटीन है। और मिल्क का प्रोटीन क्या बोलेगा, मिल्क प्रोटीन कहने का मतलब जो मिल्क में प्रेजेंट है उस प्रोटीन का नाम केजीन है, CAESIN, ठीक है। अब जब देखो हम क्या बताए, ये फूड प्रोटीन है जो फूड के साथ खाए, जैसे हम लोग नॉनवेज खाते हैं, दाल खाते हैं, पनीर खाते हैं, मशरूम खाते हैं, वो फूड प्रोटीन हो गया ठीक है। अब ये हो गया मिल्क प्रोटीन, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि रेनिन चाहिए, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पेप्सिन चाहिए, ये तुम्हारे सामने है। अब केजीन जो है जब इस पे रेनिन एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट करता है पारा केजीन में, पारा केजीन ठीक है। अब एक्चुअली में ध्यान देना, मिल्क प्रोटीन में जो केजीन होता है वो सॉल्यूबल फॉर्म में होता है, मतलब वो घुला हुआ रहता है, लेकिन जब ये एंजाइम काम कर जाता है तो वो इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट होता है, मतलब कि प्रोटीन जो मिला हुआ है वो उससे अलग हो जाएगा, इनसॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पाराकेजिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये पाराकेजिन मतलब डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये अपना फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन फूड प्रोटीन जो होता है यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो अगर तुमको स्टोमेक में पूछते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेक, तो एक लाइन ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको समझ में आ गया कि ये क्यों पार्शियल डाइजेशन, हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, ये ऊपर में लिख दिए हैं ठीक है। तो देखो फिर से एक बार बताते हैं, प्रोएंजाइम जो है वो इनएक्टिव है, तो इसमें दो है, ये दो एंजाइम है, इस दोनों को एक्चुअल के हेल्प से एक्टिव कर दिए। अब एक्टिव करने के बाद एक यहाँ प्रोसेस आ गया और एक यहाँ प्रोसेस हो गया ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना तुम कि जो पर्सन एडल्ट हो जाता है, क्योंकि स्टोमक एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो हाईली एसिडिक मीडियम को कंटेन करता है, हाईली एसिडिक मीडियम को क्या करेगा, कंटेन करेगा, मतलब वहां पे हाईली एसिडिक ज्यादा वहां पे एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है, एसिडिक वहां ज्यादा होता है। इसीलिए जैसे बोलते हैं ना कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा गैस का प्रॉब्लम होते जाता है, क्यों, क्योंकि स्टोमक का अगर एसिडिक वैल्यू पता करें तो पीएच, यहाँ पे ध्यान देना, पीएच जो है ये एसिडिक और बेसिक पता करता है, तो पीएच जो होता है 2 से 3 मात्र, इतना ही होता है, एक्चुअली इतना भी नहीं होता, कम ही होता है, 1.5 to 2 पीएच वैल्यू होता है स्टोमक का। ये कब होता है, ये एडल्ट में होता है, लेकिन जब चाइल्ड की बात करेंगे, बच्चों में ये पीएच का वैल्यू इज इक्वल टू इतना होगा 5, तो पीएच जो है वो चाइल्ड में 5 होता है और एडल्ट में जो है 1.5 to 2 होता है। इसीलिए एडल्ट पर्सन में एसिडिक जो एसिड जो बनता है वो ज्यादा अमाउंट में बनता है, रीजन यही है। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो टाइम पे आदमी को खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एसिडिक होगा तो भी दिक्कत है ठीक है। तुम्हारे सामने अभी हम दो चीज बताए, एक एससीएल और प्रोएंजाइम का फंक्शन बताया, बट म्यूकस का भी नहीं बताया है। म्यूकस का क्या काम है कि जैसे ही एसिडिक ज्यादा रिलीज होगा, ज्यादा एसिड रिलीज हो गया, तो उसमें क्या होता है कि स्टोमेक का जो वॉल है वो डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, वहां खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मस्कुलर है, मसल्स है, सेल है, सॉफ्ट पार्ट है बॉडी का, तो वहां मस्कुलर जो है वो डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करता है लाइनिंग, तो उससे बचाने के लिए म्यूकस जो है वो रिलीज होता है। इसलिए म्यूकस भी साथ साथ में रिलीज होगा कि जो काम है काम करेगा, लेकिन अगर ज्यादा हो गया और उससे हानि होना है
तो ये म्यूकस सेल या म्यूकस जो है उसको सप्रेस करने का काम करता है ताकि उसको इफेक्ट ना हो पाए, ठीक है। तो ये अब मेन चीज है समझना, क्योंकि इतना सारा तो इसका बेस मतलब डीप कॉन्सेप्ट है, जहां तक बताना था बता दिए, क्योंकि तुम लोग फिर जाने वाले हो 11th में, तो 11th में अगर जाओगे और इतना अगर कर लोगे तो स्टोमक में आगे पढ़ना भी नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तुम्हारे कोर्स का, ठीक है, क्योंकि एनटीएससी में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, करेनिन का फंक्शन इंपॉर्टेंट और ये एक्टिविटी, ये जो इक्वेशन बताई है एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए अभी बता दी, ठीक है। अब अगर हम एकेडमिक का बात करते हैं तो एकेडमिक हमारा 10th इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, वो कभी भी पूछेगा तो पेप्सिन के बारे में पूछता है, HCl का फंक्शन पूछेगा और कुछ नहीं पूछता है वो, ठीक है, यही है तुम्हारा। तो ये चीज तुमको समझ में आया, HCl का फंक्शन हम लिख देंगे, इसको नोट कर लो, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ दो, इसके इसमें और कुछ बताना है वो बताते हैं, पहले इसको नोट करो, ठीक है। को नोट कर लो, फूड प्रोटीन वाला बता दीजिए ना एक और बार सर, फूड प्रोटीन वाला। कुछ पूछ रहा था क्या कुछ? हाँ सर, ये वाला बता दीजिए ना, फूड प्रोटीन वाला एक बार, फूड प्रोटीन वाला। अच्छा, वो क्या लिखे है उसके बगल में फिर से बता दे, देखो। हाँ सर। अच्छा ये, अच्छा प्रोटियोजेस है, स्पेलिंग लिखो एरो के बाद जो है पहला जो है ऊपर वाला प्रोटियोजेस है, PRO POSES proteoses, और नीचे वाला है peptones PEPTONES peptones। proteoses and peptones, देखो इसको समझाना है क्या, समझाना है तो बोलो, मुझे समझा देते हैं। नहीं सर, समझाना नहीं है, ठीक है ना, लिंक पूछ रहे। हाँ समझ में आया, देखो एक चीज, हाँ ठीक है ठीक है, चलो एक चीज और है समझना, जैसे ये हो गया, नोट कर लिए सब, सब नोट कर लिए, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं, सुनो एक चीज, हाँ यहाँ पे एक चीज है सुनो, हम यहाँ मिल्क के पास आते हैं क्योंकि इसमें कुछ कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ है, इसमें समझ लो, ठीक है। देखो मिल्क प्रोटीन, ठीक है, मिल्क प्रोटीन में केजीन समझ में आया, बट शुगर की अगर हम बात करते हैं या फिर ग्लूकोज का बात करते हैं या स्टार्च का बात करते हैं या कार्बोहाइड्रेट का बात करते हैं तो मिल्क प्रोटीन में लैक्टोज हो जाता है, क्या होता है, लैक्टोज हो जाता है, ठीक है। तो जब लैक्टोज ब्रेक करता है तो ग्लूकोज और सुक्रोज में वो डिवाइड करता है, ठीक है, उसका वो सिंपल फॉर्म है। लेकिन अगर वहां पे आई मीन स्टोमक में अगर लैक्टोज शुगर या फिर इंटेस्टाइन में जाके लैक्टोज शुगर या फिर शुगर जो है वो अगर डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि लैक ऑफ एंजाइम की वजह से वो नहीं हो पाएगा तो क्या होता है वहां पे कि वो फर्मेंटेट करता है और एसिडिक जो है वो एसिड्स बनाने में हेल्प कर जाता है जो कि एसिडिटी जो प्रॉब्लम है वहां से भी
स्टार्ट हो जाता है। जैसे बोलते हैं कि छोटे बच्चों में, आई मीन जो छोटे बच्चों इन द सेंस की जो 15-16-17 साल तक जो बच्चा होता है, जो भी है, ठीक है, बच्चा है बड़ा जो भी है, तो वो लोग में क्या है, मिल्क का डाइजेशन इजी हो जाएगा, ठंडा दूध पी ले कोई दिक्कत नहीं, गर्म दूध पी ले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ओल्ड एज पर्सन है उनको अगर ठंडा दूध पिलाते हैं ना, तो उनमें एसिडिटी का प्रॉब्लम ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट उनको खिला दिया जाए, ठीक है, तो एक अमाउंट भी है, जैसे थोड़ा अमाउंट में खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में खा लिए, ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्ट से भी एसिडिटी का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है ओल्ड एज में कभी भी गर्म सॉरी दूध को है जो कभी ठंडा नहीं पीना चाहिए। जैसे मान लो घर में है 40-45-50 ईयर के कोई भी है, या फिर 60-70 के कोई भी है, तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जो भी है, तो उन लोग को जब भी दूध पिलाया जाना चाहिए तो ये ध्यान रखना कि हल्का वो गर्म होना चाहिए, ताकि डाइजेशन में वो हेल्प करता है, क्योंकि ठंडा दूध ये प्रॉब्लम है। और या नहीं तो दूसरा क्या है कि वो डायरेक्टली जो है वो पी रहे हैं तो दिक्कत है, उनको खिला देते हैं। अब एक चीज है कि सर दूध को कैसे खिलाओगे, ये भी दूध को खिलाना खाने का मतलब कि रोटी के साथ दे दिए या रोटी के साथ खा लिए कि कोई, या फिर हम दूध में कुछ सप्लीमेंट मिला के खिला दिए, तो डाइजेशन इजी वे में होता है बस, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ डाइजेशन नहीं होता तो उसके कारण एसिडिटी का प्रॉब्लम वहाँ नॉर्मल होना स्टार्ट हो, क्योंकि फर्मेंटेट कर जाता है अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो, सिंपल फॉर्म में नहीं गया तो। ये मिल्क प्रोटीन क्योंकि बच्चों में, देखो बच्चों में यहाँ सामने देखो चाइल्ड में स्टोमक में pH 5 है, एसिडिक मीडियम यहाँ पे कम है, तो दूध पिए, दूध ठंडा पिए गर्म पिए वो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो 1.5 to 2 एसिडिक ही मीडियम वहाँ ज्यादा है, तो वो एसिडिक ऊपर से इसके कारण जो एसिड बनेगा हाईली एसिडिक मीडियम वहाँ पे हो सकता है, ये चीज होता है, ठीक है, यही है। बट इतना कुछ जो भी है सामने तुम्हारे बोर्ड में, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये तुम्हारा 10th फाइनल जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें यही पूछता है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक तो SPL का फंक्शन पूछेगा, दूसरा पूछेगा कि स्टोमक में पार्शियल डाइजेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन है, पेप्सिन, या फिर पूछ सकता है कि स्टोमक में किस न्यूट्रिएंट का पार्शियल डाइजेशन होता है, वो होता है प्रोटीन का, ये सब चीज है। इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और जब भी कभी तुमसे पूछता है कि पेप्सिन का पूरा अगर मैकेनिज्म पूछ ले, तो ये इक्वेशन जरूर लिखना, ठीक है, जो भी 2-3 लाइन का थ्योरी लिखोगे ठीक है, बट इक्वेशन जरूर लिखना, तो वो तुमको अच्छे से मार्क्स मिलेगा, ठीक है, यही है। इसको मिटा दें, मिटा देना। पायरोलिक स्पिंस्टर क्या होता है, क्या पायरोलिक स्पिंस्टर, नहीं समझ में आया, कहाँ लिखना, और ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इस रीजन को बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा, यही है ना जी, यहां वाले पार्ट को बोलते हैं कार्डियक, यहाँ के वाले पार्ट को बोलते हैं फंडस, और यहाँ वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक, और यहाँ पे एक वाल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, और बीच वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, ठीक है। तो पाइलोरिक, इसी जब फूड आता है तो इसी रीजन में फूड प्रेजेंट होता है, तो यहीं पे सारा ये जो जितना फंक्शन है वो होगा। तो पाइलोरिक जो एक पार्ट है, स्फिंक्टर इसीलिए क्योंकि स्टोमक से जब फूड इंटेस्टाइन में इंटर करेगा तो वो ट्यूब के थ्रू करता है, तो ट्यूब के थ्रू करता है, तो यहाँ पे हम पिछले क्लास में बताए थे कि याद करो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरे बॉडी में होता है ना, पूरे बॉडी में, तो यहाँ पे भी हॉलो है, तो जब हॉलो यहाँ पे है तो यहाँ से भी वो मूव करेगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। अब जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, तो ये आगे बढ़ेगा। स्फिंक्टर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि स्फिंक्टर एक तरह का गार्ड का काम करता है, एक तरह का वो प्रिवेंट करता है कि बैक फ्लो ना हो जाए फूड का। यहाँ जो डाइजेशन होना, देखो यहाँ पे सिर्फ बस प्रोटीन का हुआ, बाकी वाज फैट बचा है, ये पार्शियल है तो फुल्ली इसको कराना है,
हम लोग स्टार्च वगैरह है वहां पे, तो सारा कहीं ना कहीं जाता है, तो इसी से पास्ट होगा ना, यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन प्रोटीन हो गया, ये चला गया। अब जाने के बाद फिर आगे में देखा कहाँ, इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में जाने के लिए ये पाइलोरिक एपर्चर बोलते हैं या एपरेटस बोलते हैं, इससे ये मूव करेगा, ये रीजन पाइलोरिक है, ये ट्यूब पाइलोरिक एपर्चर है, और इसी में एक गार्ड लगा हुआ है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर, ताकि वो फूड जो भी गया वो बैक फ्लो ना हो जाए, पीछे की तरफ ना आ जाए, ठीक है, वो आगे तरीके से, इसलिए वो स्फिंक्टर होता है और कुछ नहीं। अब यही फूड जो है यहाँ पे और ज्यादा मिक्स हो गया तो यहाँ पे काइम बोल दिया, अब ये फिर अंदर चला गया, आई मीन इंटेस्टाइन में आ गया। तो इंटेस्टाइन में आने के बाद फिर इसका अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि इंटेस्टाइन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसमें ग्लैंड व्लैंड का कनेक्शन है, वो बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाए। सर कार्डियक के नीचे क्या लिखे है? कार्डियक के नीचे फंडस, वो छोटा था ना, मतलब उधर FUNDUS, फंडस, FUNDUS फंडस, उसके बाद है बॉडी, उसके बाद पाइलोरिक, पाइलोरिक में ही पाइलोरिक स्फिंक्टर है, तो हम उसको लिखे नहीं है, पाइलोरिक पहले यहाँ पे दिखा देना, उसके बाद स्फिंक्टर गार्ड बना के दिखा देना। समझ में आया? यस सर। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आदित्य। आदित्य नाइन्थ में कहाँ थे? हेलो आदित्य। यस सर। बताओ नाइन्थ में कहाँ, नाइन्थ कहाँ से थे, मतलब कहाँ से पढ़ाई, मतलब पढ़े हो? सर वेब सेंटर में। वेब सेंटर में था? अच्छा आदित्य, वेब सेंटर में, अच्छा हम नाइन्थ वेब सेंटर में नहीं लेते थे इसीलिए, तो ठीक है। समझ में आ गया ना आदित्य, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन में इंटरव्यू वगैरह बैठा हुआ सब पूछता है। ठीक है, पाइलोरिक वाला जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, बाकी वाला तो कुछ खास है, मतलब लेबल किया हुआ है, इसको मिटाते हैं हम। मिटा रहा देखो, अब जो है हम लोग का नेक्स्ट है इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, तो एक चीज पहले ये बात बताओ कि इंटेस्टाइन तो हम लोग लिखे, इसमें हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन लिखते हैं, बट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये क्यों बोला गया है ना, तो इसीलिए बोला गया है क्योंकि अगर तुम लेंथ वाइज देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ा है इन कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक ट्यूबुलर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक्चुअली में जो इसका ओपनिंग है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले इसका ओपनिंग जो है, या फिर हम बोल सकते हैं डायमीटर है, वो कम है लार्ज इंटेस्टाइन के ओपनिंग के कंपैरिजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो होता है वो कम है, स्मॉल है, इसीलिए इसका ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है। और बाकी लेंथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो लेंथ वाइज में, ठीक है, लेंथ वाइज में जो ये होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, ठीक है, समझे। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तीन पार्ट से कंसिस्ट करता है, ड्यूडेनम, जेजेनम, ठीक है, उसके बाद इलियम, ये तीन पार्ट से कंसिस्ट करता है। सबसे पहला, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी बुक्स में इतना ज्यादा डिटेल तो नहीं है, बट इतना ध्यान रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछता भी है, तो सीधा से भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये जो दो प्रोसेस होता है ये दोनों प्रोसेस कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम इस तीन पार्ट को हम पढ़ रहे हैं, तो ड्यूडेनम जो है वो स्पेशली किसके लिए है, डाइजेशन प्रोसेस के लिए, और इलियम जो होता है, इलियम जो है क्योंकि ये तीसरा पार्ट है, ये होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि वहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको बोलते हैं विली, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ड्यूडेनम जो है वो मेनली होता है डाइजेशन, ऐसा क्यों, देखो एक और चीज ध्यान देना, ड्यूडेनम जो होता है वो
शॉर्ट है, आई मीन उसका जो तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो वाइड और शॉर्ट होता है, वाइड है और शॉर्ट, लेंथ वाइज वो शॉर्ट है लेकिन एरिया वाइज वो वाइड है, ठीक है, क्योंकि इसी रीजन में सारा ग्लैंड का कनेक्टिविटी प्रेजेंट होता है, वो हम और आगे डिटेल में बता देंगे। ड्यूडेनम का मतलब समझ गए, इलियम जो है सबसे लास्ट पार्ट है, यहाँ पे इस तरह का इनफोल्डिंग होता है क्योंकि वो टिश्यू का इनफोल्डिंग है जो कि अल्टीमेटली वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेली, ये काम करता है ब्लॉसम का। हम ड्यूडेनम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको समझना ठीक है, इसको ऊपर वाला नोट कर लो क्योंकि नीचे हो नहीं पाए, ऊपर वाला नोट करो, जल्दी से नोट करो, उसको मिटाएंगे। हो गया ना, चलो ठीक है, अब हम जब फिगर बनाने जा रहे हैं इसको समझना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये ड्यूडेनम पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अपर पार्ट नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। इधर वाला बोर्ड दिख रहा है ना अच्छे से, सर ऊपर नहीं दिख रहा है, बोर्ड क्लियर आ रहा है, देखो कोई दिक्कत है, सब दिख रहा है ना, ऊपर में नहीं दिख रहा, ऊपर नहीं दिख रहा है, पूरा बोर्ड तो क्लियर आ रहा है, एक सेकंड देखते हैं, अब आ रहा है क्लियर,
यस सर। आप देखो समझो, ठीक है। सबसे फर्स्ट में ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम पार्ट होता है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ से एक डक्ट निकला है, यहाँ से एक डक्ट निकला है, ठीक है। और इस डक्ट को जो है, इस डक्ट को हम लोग लिखे यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट, और इसको हम लोग लिखे पेनक्रियाटिक डक्ट। जब ये दोनों कॉमनली इस रीजन में, ड्यूडेनम रीजन में खुलता है, तो इस कॉमन डक्ट को लिखा गया हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटिक यहाँ का और पेनक्रियाटिक यहाँ का, यहाँ का, ठीक है, यहाँ ये क्लियर है। अब देखो पेनक्रियाटिक डक्ट है क्योंकि ये पेनक्रियास से रिलीज है, आई मीन पेनक्रियास से कनेक्ट है, तो इससे जो भी रिलीज होगा ये यहाँ पे ड्यूडेनम में रिलीज करेगा। यहाँ पे ध्यान देना कि लीवर हमारे बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। चलो लार्जेस्ट ग्लैंड हम लीवर को बोल रहे हैं, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है बता सकते हो कोई? लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, कोई बता सकते हो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है हमारे बॉडी का? स्किन। दोनों में बहुत अंतर है। अगर ग्लैंड की बात करते हैं तो ये है हमारा, क्योंकि ये 1.5 से 2 kg तक का होता है, 1.5 to 1.8 gram तक होता है ये, ठीक है। देखो कोई नहीं, किसी को नहीं पता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन कहलाएगा? ये तो ग्लैंड है लीवर। स्किन। देखो लार्जेस्ट जो ऑर्गन होता है वो स्किन होता है, इसको ध्यान रखना। ग्लैंड और ऑर्गन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर ग्लैंड की बात करेंगे तो लीवर, और ऑर्गन की बात करेंगे तो स्किन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, लीवर जो होता है ये रिलीज करता है बाइल जूस, और लीवर जो कनेक्ट है एक डक्ट से, क्योंकि लीवर से जो रिलीज है, जैसे मान लो पेनक्रियास से रिलीज होता है तो पेनक्रियाटिक डक्ट लिखे हैं, तो लीवर से जो रिलीज है, वहां से जो टर्मिनेट है डक्ट, वहां से जो निकला हुआ है डक्ट, उसको हम लोग हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। लीवर के जस्ट पीछे में है गॉल ब्लडर, ठीक है, तो गॉल ब्लडर से जो डक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये दोनों डक्ट एक कॉमन डक्ट में खुलता है, तो उसको हम लोग नाम दिए हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट से ये रिलीज होता है और ये ड्यूडेनम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज और ध्यान देना, लीवर जो है वो क्या रिलीज करता है? बाइल जूस। और हम बाइल जूस का यहाँ पे पूरा एक छोटा सा चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट, ये देखो, ठीक है। बाइल जूस में दो चीज है, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट दिख रहा है। अब ये बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट में, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये पिगमेंट है, कलर प्रोवाइड करता है। बट बाइल सॉल्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट लिखे, एक और सॉल्ट आता है वो नाम याद नहीं आ रहा, बट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि बाइल जूस का क्या काम है जो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लीवर से रिलीज हुआ बाइल जूस ये चला जाता है गॉल ब्लैडर में। आखिर गॉल ब्लैडर में जाता क्यों है वो, ठीक है। तो वहां पे ध्यान रखना कि लीवर से जब रिलीज होगा तो जब वो गॉल ब्लैडर में जाएगा तो गॉल ब्लैडर का काम होता है उस जूस को, उस लिक्विड को और ज्यादा कंसंट्रेट करना, ठीक है। क्योंकि बाइल जूस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डाइजेशन में, अगर ये नहीं रिलीज हुआ ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी तुम लोग सुने ही होगी कि लीवर खराब हो गया, लीवर खराब होने से दो चीज इफेक्ट हो जाता है, तो डाइजेशन, दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। क्योंकि लीवर का काम होता है मैक्सिमम टॉक्सिक सब्सटेंस को ये जमा करके रखता है, ये ब्लड के थ्रू चल जाता है किडनी में, वहां पे ब्लड प्यूरिफाई होता है। अगर लीवर में प्रॉब्लम हो गया तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वहां इफेक्ट कर जाएगा, और साथ साथ में डाइजेशन का जो मेन प्रोसेस है वो भी होगा। कैसे समझो, सबसे पहले तुम इस चीज को यहाँ पे ध्यान देना, बाइल जूस में हम ये बताएं फ्लो चार्ट से कि बाइल जूस में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट, और पिगमेंट कहीं भी रहता है तो उसका काम क्या है, कलर प्रोवाइड करना, तो वो कलर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इस पिगमेंट का दो नाम है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, और एक पार्ट है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट में एक जो पार्ट बताया वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट का ही काम होता है यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस में, क्या होता है समझो। बाइल जूस, हम लोग बाइल जूस अभी कॉमन बोल रहे हैं कि बाइल जूस जब आएगा ड्यूडेनम में तो इसका काम क्या होता है, बाइल जूस का काम क्या होता है, ठीक है। तो बाइल जूस का काम बताते हैं,
दूसरा क्या है कि पेनक्रियास से जो रिलीज होने वाला है उसको हम लोग कंबाइनली बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस, जो तीन एंजाइम को वहां रिलीज कर रहा है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, कहीं भी तुमको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में एमाइलेज मिलता है तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, आई मीन ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज करता है तो लाइपेज अगर लिखोगे तो फैट मॉलिक्यूल को वो डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिन है तो यहाँ प्रोटीन। तो ये दो कॉमन याद रखना, बाकी बात ये याद रहेगा एमाइलेज। तुम देखो अब हम पेनक्रियाटिक जूस में भी बताए एमाइलेज और सलाइवा में भी बताए एमाइलेज, तो सोचो वहां भी एमाइलेज था जो कि स्टार्च को कर रहा था। ठीक है, लाइपेज जहां भी आए, क्योंकि लाइपेज स्मॉल अमाउंट में स्टोमक में भी रिलीज होता है, बट वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। एग्जैक्टली लाइपेज का यहाँ फंक्शन है, और अगर वो वहां पे लाइपेज हो रहा है तो वो भी कुछ ही अमाउंट में फैट को, 1-2% अमाउंट में फैट को डाइजेस्ट करेगा, वो नहीं भी कर सकता, वो एकदम नेग्लेजेबल है। तो लाइपेज जहां भी दिखेगा तो फैट मॉलिक्यूल को करेगा, और एमाइलेज जहां भी दिखेगा वो स्टार्च मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बाकी बात जो अदर रहेगा। ये याद करने का तरीका बताया तुमको। ठीक है, देखो सलाइवरी एमाइलेज वहां भी था, यहाँ भी एमाइलेज है, लेकिन दोनों को पहचानने के लिए इसमें पेनक्रियास ही लगा दिया गया था और वहां पे सलाइवरी यूज हम किए थे। समझ में आ रहा है डिफरेंसेस कहाँ क्या रिलीज होगा? ठीक है, तो ये तुम्हारा एंजाइम है जो कि पेनक्रियास से निकलेगा, ये एंजाइम है जो कि लीवर से निकलेगा। ठीक है, और यही दोनों मिल के फूड का तीन जो न्यूट्रिएंट हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ा है, इसमें क्या बताया कि फूड के फॉर्म में जो हम लोग खा रहे हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, वो तीनों को यही डाइजेस्ट करता है, एक तुम्हारा ये एंजाइम और एक बाइल जूस। देखो एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना कि बाइल जूस जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन वो डाइजेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम बताते हैं आगे, इसको नोट करो, इसको मिटा के फिर इक्वेशन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को पूछना है तो सुन, एक और चीज है सुनो, ये हम बताए हेपेटिक डक्ट। अच्छा, हरेक का कुछ ना कुछ नाम है, कुछ ना कुछ मतलब है, इसलिए नाम है। तो हेपेटिक डक्ट क्यों लिखा गया है? क्योंकि लीवर एक ऑर्गन है और ये कोई ना कोई सेल से तो बना ही होगा, तो इसके सेल का एग्जैक्टली नाम क्या है? तो हेपेटिक सेल नाम है, तो उसी के नाम से उसका डक्ट का नाम रख दिया, जिसका नाम है हेपेटिक डक्ट। बस यही है, नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो, फिर हम इक्वेशन भी। बाइल जूस बताइए ना सर, गॉल ब्लैडर के नीचे क्या लिखा? कुछ पूछना है पूछ सकते हो सर। बाइल जूस से नहीं समझ आया, गॉल ब्लैडर के नीचे क्या लिखा? स्पेलिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गॉल ब्लैडर के नीचे
नोट कर लिए, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछ सकते हो स्पेलिंग वगैरह में, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा हाँ चलो स्पीड। नोट कर लिए, मिटाएं? यस सर। अरे बताओ कुछ बोलो, हाँ ना सर कुछ भी बताओगे तब ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है देखो। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि अब एक एक जो भी हम लोग देखे सामने जो जो एंजाइम है जो भी केमिकल है उसका हम एक एक करके करेंगे। तो देखो सबसे पहले लीवर से क्या रिलीज हुआ था, बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस का क्या काम है, तो सबसे पहले हम लोग फैट मॉलिक्यूल को लेते हैं, इसके बारे में समझना। फैट मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, बट फैट मॉलिक्यूल डायरेक्टली जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो फैट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेंगे, जैसे फैट मॉलिक्यूल है तो ये बिग ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लो ये है और फिर हम ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट। अब इस यहां से यहां में कन्वर्ट करने के लिए किसका काम आएगा, बाइल जूस का, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया बाइल जूस। अब ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ फैट है इसका हम लोग नाम रखें इमल्सीफाइड फैट, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन, और इस प्रोसेस को मतलब कन्वर्शन ऑफ बिग ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। तो यहां ध्यान रखना इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें हम लोग बिग से स्मॉल में कन्वर्ट हुआ, जो स्मॉल में कन्वर्ट हुआ फैट उसको नाम रख दिया इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। अब इस इमल्सिफाइड फैट पे पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसेरॉल में, ये कन्वर्शन हो गया, ये डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। एक और चीज ध्यान देना कि फैटी एसिड जो होता है वो इजिली एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो इजिली अब देखो इसका डाइजेशन भी एक कॉम्प्लेक्स देखे कि यहाँ पे चेंज हो रहा है और यहाँ फिर काम कर रहा है तभी काम कर रहा है। अब जब ये डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्ब भी ये नहीं होगा, तो जो फैट फैटी एसिड होता है इसके ऊपर में प्रोटीन का कवरिंग आ जाता है और तभी वो एब्जॉर्ब कर पाता है विली, वो हम आगे भी बता देंगे, बट इसका थोड़ा सा भी बता देते कि फैट इजिली एब्जॉर्ब, फैटी एसिड इजिली एब्जॉर्ब नहीं होगा। यही है तुम्हारा लीवर, लीवर से निकला बाइल जूस, बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन करना, और इमल्सिफिकेशन जब हो गया तो स्मॉल ड्रॉपलेट पे तब काम करेगा लाइपेज जो पैनक्रियास से निकलता है और वो कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में, यही है। इसीलिए बोला जाता है कि बाइल जूस जो है वो एक ऐसा केमिकल है जो डाइजेशन प्रोसेस में काम नहीं करता है, डाइजेशन जो प्रोसेस उसमें काम नहीं करेगा, लेकिन
सॉरी कहने का मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम के तरह वो काम नहीं करता है, बट डाइजेशन प्रोसेस में वो हेल्प करता है, तो यही हेल्प करता है। बिना बाइल जो उसका फैट जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, यही है। इसको नोट करो जल्दी। नोट कर लिए। देखो आज इतना तक रहने दो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा पेनक्रियाटिक जूस का उसका हम लोग पूरा अच्छे से इक्वेशंस, क्योंकि उसको स्टार्ट करेंगे उसको खत्म करना पड़ेगा, टाइम ऑफ हो रहा है, ठीक है, इसके बाद भी क्लास है। तो सबसे पहले जहां तक बताए हैं, क्योंकि स्टोमक और ड्यूडेनम का जहां तक पार्ट है सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो स्टोमक में बताना था वो बता दिए, इसमें ये पूछता है ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो भी बताए ये सारा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा फाइनल एग्जाम के लिए, टेंथ एकेडमिक बेस पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और चीज है, अगर बाइल जूस की बात करेंगे तो बाइल जूस में इमल्सिफिकेशन कौन कराता है, तो ये याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट। कहने का मतलब बाइल सॉल्ट एक ऐसा उसमें है, पार्ट है बाइल सॉल्ट, क्योंकि बाइल जूस में दो पार्ट पड़ा है, पिगमेंट एंड सॉल्ट, तो सॉल्ट ही काम कराता है ये, ठीक है, बस यही चीज है, इसको नोट कर लो, ठीक है।